एक्वागार्ड ने निकाला है एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर जिसमें आपको मिलता है कॉपर का बेनिफिट। तो क्या ये आपके हेल्थ के लिए सही है? इसमें बहुत सारे वेरिएंट भी निकला है, तो कौन सा आप खरीदेंगे? तो चलिए देखते हैं। और आखिर में तीन बोनस टिप्स सिर्फ आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोमैन। मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर हूँ। 2005 से मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नए नए गैजेट अनबॉक्सिंग रिव्यू और डेमो करना मेरा हॉबी है। अगर आपको भी बनना है टेक एक्सपर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपको तो ये पता ही होगा कि कॉपर के बर्तन में पानी रखने से पानी में कॉपर का सारा जो बेनिफिट है वो चला जाता है, लेकिन इसके लिए बर्तन में बहुत देर तक पानी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग वाटर प्यूरिफायर से पानी निकालते हैं तो वाटर प्यूरिफायर का एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पानी बहुत जल्दी चला जाता है, और इस जगह पे कॉपर को पानी में रिटेन करने के लिए एक्टिव कॉपर का यूज किया जाता है। अब ये एक्टिव कॉपर क्या है? एक्टिव कॉपर मतलब चार्ज कॉपर आयन। ये एक फिल्टर के अंदर रहता है। जितने भी सारे एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसका लास्ट स्टेज आपका कॉपर कार्टिज रहता है। अब जब प्यूरिफाइड पानी उस कॉपर कार्टिज के अंदर से जाता है तब कॉपर आयन उस पानी को कॉपर से चार्ज कर देता है। तो चलिए देखते हैं कॉपर पानी पीने का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले कॉपर दिमाग को ठंडा रखने में मदद करता है। दूसरी बात है कि कॉपर बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है। कॉपर बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाता है। कॉपर स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है और सनबर्न भी रोकता है। कॉपर ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ग्रोथ में भी मदद करता है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर में पानी के साथ कॉपर को मिलाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पानी अगर ज्यादा देर उस कार्टिज में रिटेन करता तो उसके साथ ज्यादा कॉपर मिल जाता और वो सेहत के लिए आपके हानिकारक होता। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, वहां कॉपर आयन चार्ज कार्टिज यूज किया जाता है जिससे कि पानी में ज्यादा कॉपर मिल ना जाए। सिर्फ वहां कॉपर का आयन चार्ज होता है और वो पानी में उतना ही रिटेन होता है जितना कि आपके शरीर के लिए जरूरत है। अब चलिए देखते हैं कॉपर डायरेक्ट हमें किस तरह से हेल्प करता है। कॉपर का जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है वो बैक्टीरिया को स्टेरिलाइज करके उसको डिस्ट्रॉय करता है और घाव भरने में भी बहुत मदद करता है। कॉपर खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन के जरिए फ्री रेडिकल को बनने नहीं देता है। फ्री रेडिकल जो कैंसर का एक कारण है। कॉपर एंटी कार्सिनोजेनिक भी है जो स्किन एजिंग को डिले करता है। कॉपर का एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शरीर के अंदर बहुत तरह के अल्सर, बदहजमी, इन्फेक्शन घटाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। एक्वागार्ड का जो एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर है वो कैसे अलग है दूसरे वाटर प्यूरिफायर से? एक्वागार्ड का भी जो पहले वाटर प्यूरिफायर आता था और जो दूसरे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर है उसमें बाईपास टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, लेकिन एक्वागार्ड का जो एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर आया है इसमें स्टेज बाई स्टेज प्यूरिफायर बैठा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक प्यूरिफायर लगा रहता है, तो इससे आपको नॉन आरओ पानी मिलने का कोई चांसेस नहीं रहता है। अगर आपको बाईपास टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, यहाँ आपको बाईपास टेक्नोलॉजी के बारे में और सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एक्वागार्ड एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरिफायर में तीन बेसिक कैटेगरी है। एक तो है यूवी प्लस यूएफ, एक है आरओ और एक है आरओ यूवी और एमटीडीएस। चलिए देखते हैं अलग अलग तरह से ये वाटर फिल्टर कैसे काम करता है। हम लोगों का जो पहले कैटेगरी का फिल्टर है वो है यूवी प्लस यूएफ। इसमें रॉ वाटर आपके प्यूरिफायर के अंदर जाता है और पहले स्टेज में इसका गिरता है आई फिल्टर। आई फिल्टर में सेडिमेंट कार्टिज लगा हुआ है, तो पानी में जितने भी सेडिमेंट वगैरह और बिग इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे आपका छन जाता है, यानी धूल मिट्टी वगैरह। इसके बाद इसका केमी ब्लॉक बोल के एक फिल्टर रहता है। देखिए इस केमी ब्लॉक में क्या है, इसमें आपका कार्बन कार्ट्रिज लगा हुआ है, तो इसमें जो पानी में आर्सेनिक वगैरह कुछ भी रहता है वो इसको छान लेता है। इसके बाद आता है यूएफ फिल्टर। अब इस यूएफ फिल्टर में 0.01 माइक्रन तक छेद रहता है, तो जो आपका बैक्टीरिया वगैरह 0.01 माइक्रन है वो इसमें अटक जाता है। इसके बाद आपका इसका मिनरल गार्ड आता है। इस मिनरल गार्ड कार्टिज में क्या होता है, जो नेसेसरी मिनरल है वो पानी में रिटेन कर जाता है और जो मिनरल आपके ज़रूरत में नहीं आएगा वो यहाँ अलग हो जाता है।
और इसके बाद आता है यूवी लैम्प। अब यूवी लैम्प जो बचे बुचे बैक्टीरिया वायरस है उसको यहाँ डीएक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद आता है हम लोगों का जो कॉपर कार्ट्रिज है वो, ये एक्टिव कॉपर कार्ट्रिज एकदम लास्ट में बैठा हुआ है। यहाँ से इसमें कॉपर चार्ज होता है और पानी सीधा टैंक के अंदर चला जाता है। ये तो था यूवी प्लस यूएफ वाला फिल्टर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आरओ में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आरओ में पहले रॉ वाटर अंदर जाता है, उसके बाद जो आई फिल्टर रहता है वहाँ पानी में जो सेडिमेंट वगैरह है वो यहाँ छन जाता है। उसके बाद देखिए वो पूरा जाके मिनरल गार्ड में चला जाता है। और यहाँ क्या होता है, मिनरल गार्ड जो कार्टिज लगा हुआ है वो पानी में जो मिनरल्स रहना चाहिए उसको रिटेन करता है, और जो मिनरल्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है वो यहाँ ये छान देता है। उसके बाद ये केमी ब्लॉक में जाता है, वहाँ कार्बन लगा हुआ है, उसमें कुछ भी गंध वगैरह रहेगा या आर्सेनिक वगैरह रहेगा तो ये केमी ब्लॉक यानी कार्बन कार्टिज इसको छान लेगा। उसके बाद इसमें आता है आरओ फिल्टर जो कि आपका 0.0001 माइक्रन है। तो जितने भी छोटे बैक्टीरिया वायरस है वो यहाँ छन जाते हैं। और एक देखिए यहाँ से ही आपका एक पाइप निकला है जिसमें कि आपका वेस्ट वाटर निकल जाता है, और दूसरा पाइप आपका एक्टिव कॉपर की तरफ चला जाता है जिसमें कि कॉपर आयन चार्ज हो जाता है, और ये कॉपर आयन चार्ज वाला जो पानी है वो आपके फिल्टर में चला जाता है। तो ये था आरओ जो फिल्टर है उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और लास्ट हम लोग का बचता है MTDS वाला। तो अभी हम लोग देखते हैं आरओ यूवी प्लस MTDS फिल्टर से कैसे फिल्ट्रेशन होता है। जो आरओ यूवी MTDS फिल्टर है उसमें पहले रॉ वाटर अंदर जाता है, उसके बाद वो आई फिल्टर यानी सेडिमेंट फिल्टर से होके निकलता है। वहाँ इसमें जो धूल मिट्टी वगैरह है, सेडिमेंट वगैरह है, वो छन जाता है। उसके बाद देखिए ये चला जाता है मिनरल गार्ड में। मिनरल गार्ड में आपका जितना मिनरल ज़रूरत है वो वहाँ रिटेन हो जाता है, और जो मिनरल आपको ज़रूरत नहीं है वो मिनरल वहाँ छन जाता है। उसके बाद ये चला जाता है केमी ब्लॉक में यानी कार्बन कार्ट्रिज में। यहाँ इसमें जो दुर्गंध वगैरह है या इसमें कुछ भी आपका आर्सेनिक वगैरह है वो सारे चीज़ यहाँ रह जाता है, और बाकी पानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट चला जाता है आरओ फिल्टर में और दूसरा पार्ट चला जाता है यूवी फिल्टर में। तो एक पार्ट जो आरओ फिल्टर में गया वहाँ से वो 0.0001 माइक्रन से जब निकलता है तो उसमें कोई भी आपका बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी उस पानी का जो TDS है वो नीचे उतर जाता है, बहुत नीचे कि आपके खाने योग्य ना रहे। तो वहाँ जो जहाँ से दूसरा पानी निकला है वहाँ से एक TDS कंट्रोलर रहता है, देखिए उस TDS कंट्रोलर से होके वो पानी यूवी में चला जाता है। अब क्या होता है, आरओ फिल्टर से जो पानी निकला है और कार्बन ब्लॉक से जो पानी निकला है ये दोनों को एक साथ मिला के यूवी चेंबर में डाल दिया जाता है, और यूवी चेंबर होके ये पानी आपका कॉपर कार्ट्रिज में जाता है, और कॉपर कार्ट्रिज होके ये पानी आपके टैंक में जमा होता है। तो ये था जो MTDS वाटर फिल्टर है उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब ये तो था एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरीफायर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरीफायर का बेनिफिट क्या है और क्यों आप इसको खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कौन सा एक्टिव कॉपर वाटर प्यूरीफायर मैं आपके घर के लिए रिकमेंड करूंगा और उसका प्राइस क्या है, तो आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो को तो देखना ही पड़ेगा। ये आपका पैसा जरूर बचाएगा। तो वीडियो के नोटिफिकेशन ठीक टाइम में मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आखिर में 3 बोनस टिप्स जो सिर्फ आपके लिए है। पहला टिप्स, जब भी आप वाटर प्यूरीफायर खरीदे उससे पहले पानी का TDS जरूर चेक करवाए। जब भी आप वाटर प्यूरीफायर खरीदिएगा उससे पहले जिससे आप वाटर प्यूरीफायर खरीदे आपका पानी का सोर्स क्या है और आपका टैंक का हाइट क्या है वो भी आप जरूर बताएं। आपके वाटर प्यूरीफायर का वारंटी जब खत्म हो जाए तो उसमें प्री फिल्टर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि प्री फिल्टर आपके वाटर प्यूरीफायर का लाइफ को एक्सटेंड करता है। वारंटी के बाद ये जरूरी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।